हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, राइट? कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है। कल जो है अपन ने स्ट्रक्चर देखी थी एंथर की, एंथर के अंदर अपन ने देखा था कि एंथर के अंदर जो है एंथरिक बायोलोब स्ट्रक्चर होता है। बायोलोब के अंदर जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स पाई जाते हैं जिनको बोलते हैं थीका। ईच लोब इज कंटेनिंग टू थीका, इट मीन्स जो है डायथीका सिचुएशन देखने को मिलती है। ईस्ट थीका इज कंटेनिंग स्पोरोजिनस टिश्यू। हर एक जो है थीका के अंदर, इन एवरी थीका जो है स्पोरोजिनस टिश्यू पाए जाते हैं। थीका के अंदर जो है स्पोरोजिनस टिश्यूज पाए जाते हैं। व्हाट हैपेंस कि जो स्पोरोजिनस टिश्यूज है उनके अंदर जो सेल्स होती हैं, ये स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती हैं, कुछ सेल्स जो है न्यूट्रिशन को लेकर साइज में क्या हो जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है। स्पोरोजिनस टिश्यूज के अंदर कुछ सेल्स कंटिन्यूसली जो नेबर सेल्स हैं उनसे न्यूट्रिशन को लेती रहती हैं, और न्यूट्रिशन को लेने के बाद में जो है वो साइज के अंदर थोड़ी बड़ी हो जाती है, और बड़ी होने के बाद में नाउ दीज सेल्स आर नोन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, दीज आर ऑल्सो नोन एज MMC। माइक्रोस्पोर मदर सेल को जो है MMC बोलते हैं। जस्ट लाइक वी कैन से कि स्पोरोजिनस टिश्यू जो है उसमें सेल्स का बंच पाया जा रहा है। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर सेल्स का बंच पाया जा रहा है, राइट? दिस इज स्पोरोजिनस टिश्यू। इसके अंदर फ्यू सेल्स आर गेटिंग लार्जर इन साइज, कुछ सेल साइज के अंदर बड़ी हो रही है। दीज सेल्स आर नोन एज MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर अभी तक तो ये डिप्लोइड है। अभी तक तो कैसी है ये, यहाँ पे भी सेल्स 2N थी और यहाँ पे भी कैसी है 2N है, बट ये सेल्स जो है आगे चलकर डिवाइड हो जाती हैं। दे आर डिवाइडेड बाय मियोटिक डिवीजन। किससे डिवाइड होती हैं? मियोसिस से। और आपको पता ही है मियोसिस का रिजल्ट होता है टेट्राड, इट मीन्स हाउ मेनी सेल्स आर फॉर्म्ड। चार सेल्स फॉर्म होती हैं और ये चारों सेल्स जो एक बंच की फॉर्म में फॉर्म होती हैं, एंड दैट इज नोन एज स्पोर टेट्राड। इसको बोलते हैं स्पोर टेट्राड, मतलब कि स्पोरोजिनस टिश्यू है, फ्यू सेल्स आर बिकमिंग लार्जर इन साइज, सेल्स आर नोन एज MMC, MMC आर डिवाइडिंग बाय मियोटिक डिवीजन। After dividing by meiotic division, the spore tetrad is formed. Spore tetrad के अंदर चार cells होती है, particularly एक arrangement होता है। Arrangement के behalf पे जो है अपन देखेंगे, इसको भी आगे classify कर रखा है। तो microspore mother cell से, किससे? Microspore mother cell से spore tetrad का या फिर microspores का form होना, किसका form होना? Microspores का या spore tetrad का form होना, that process is known as microsporogenesis. In general, it is asked that what is microsporogenesis? It means microspore mother cell से spore tetrad या फिर microspore का form होना, that is known as microsporogenesis. Spore tetrad को जो है इसके अंदर जो spores पाए जा रहे हैं, चारों spores, इनके arrangement के behalf पे particularly पांच category के अंदर divide कर रखा है। Number one is tetrahedral spore tetrad. Number second is isobilateral spore tetrad. Number third is T-shaped spore tetrad. Number fourth is decussate spore tetrad, and number fifth is linear spore tetrad. सबसे पहले बात करते हैं tetrahedral. Tetrahedral spore tetrad के अंदर क्या होता है कि तीन spores तो इसके अंदर visible होते हैं, तीन जो microspores visible होते हैं, एक जो है microspore just इनके पीछे की तरफ पाया जाता है, जो कि अपन को most of the dicots के अंदर देखने को मिलता है। Tetrahedral जो है अपन को most of the dicots के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद में सेकंड आता है आइसोबाइलेट्रल। आइसोबाइलेट्रल के अंदर क्या होता है, ऑल फोर माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर वे एंड ऑल आर विजिबल, सारे के सारे जो अपन को फ्रंट से दिखाई देते हैं, राइट? दैट काइंड ऑफ स्पोर टेट्राड इज नोन एज आइसोबाइलेट्रल, एंड दैट इज फाउंड इन मोनोकोट्स। किसे पाया जाता है ये? मोनोकोट्स में पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है टी शेप्ड। टी शेप्ड के अंदर क्या होता है कि टू स्पोर्स तो जो है टॉप के ऊपर पाए जाते हैं और दो स्पोर जस्ट उनके नीचे पाए जाते हैं लीनियर वे के अंदर। दो स्पोर जो है लीनियर वे के अंदर पाए जाते हैं। दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज लाइक जस्ट लाइक टी।
Now we are able to see that it is resembling to the T. That's why it is called T-shaped spore tetrad. इसके example है Aristolochia. Aristolochia जो है एक plant है, जो कि इसका example है, जिसके अंदर T-shaped का जो है ये microspores का arrangement देखने को मिलता है. Next आता है Dacryocete. Dacryocete के अंदर क्या होता है कि top पे दो पाए जाते हैं, एक नीचे पाया जाता है और एक पीछे की तरफ है. एक पीछे की तरफ है, ये टू डायमेंशनल डायग्राम अपन को दिख रहा है, एक जिस इनके पीछे की तरफ पाया जा रहा है, दैट इज Dacryocete. इसको अपन क्या बोलते हैं, Dacryocete. Dacryocete का जो एग्जांपल है वो है मंगोलिया. मंगोलिया के अंदर जो ऐसा देखने को मिलता है. और एक ये है लीनियर. लीनियर के अंदर मतलब कि जितने भी स्पोर्स होते हैं सारे आपस में एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं इन्हें लीनियर मैनर. किस मैनर के अंदर, लीनियर मैनर के अंदर ये अरेंज होते हैं. और इसका एग्जाम्पल है हेलोफिला. एग्जाम्पल इज हेलोफिला. तो वी कैन सी लाइक स्पोर टेट्राड या माइक्रोस्पोर्स पर्टिकुलरली एक वेक के अंदर अरेंज होते हैं. अरेंजमेंट जो है ऑलमोस्ट फाइव काइंड का होता है. नंबर वन इज टेट्राहेड्रल, सेकंड इज आइसोबाइलेट्रल, थर्ड इज टी शेप्ड, फोर्थ इज Dacryocete एंड फिफ्थ इज लीनियर. माइक्रोस्पोर्स फॉर्म कैसे होते हैं कि जो भी स्पोरोजिनस टिश्यू है, few cells are becoming enlarged in size, cells are named as microspore mother cells and cells are dividing by meiotic division and each or every single cell is forming spore tetrad or microspores. अब जैसे microspore mother cell से spore tetrad का form होना, किससे, microspore mother cell से spore tetrad का form होना, that is known as microsporogenesis. अब microspores से फिर आगे चलकर क्या form होते हैं, pollen grains. That we will talk in the male gametophyte, जो कि अपन male gametophyte के अंदर पढ़ेंगे. I hope ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी. फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आई है, without any hesitation, you can ask the student, right? Thank you.